आलमी योम आबादी के मुनासिबत से क्वेटा में सीनियर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से एक रोजा बेबी शो का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर समेत क्वेटा के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जिनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा, तालीम की कमी, साफ पानी की दस्तियाबी, खुराक की कमी, खासतौर पर बलोचिस्तान में माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की अमवात, माहौल की अमवात में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे माशरे में देखे फैसला बाप ने करना होता है, शोहर ने करना होता है, तो हमारे सोशल मोबिलाइजर बाप को या शोहर को ये बताता है कि अगर आप खानदानी मनसूबाबंदी पे अमल करेंगे तो आपकी बीवी का सेहत अच्छा होगा, उसका सेहत अच्छा होगा तो बच्चे पे असरात मुस्बत होंगे, बच्चे पे मुस्बत असरात होंगे तो माल न्यूट्रिशन का, जैसे आपने सवाल पूछा है, माल न्यूट्रिशन इस वक्त बलूचिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं, एक माओ की अमवात बड़ा मसला है, एक बच्चों की अमवात बहुत बड़ा मसला है, और एक माल न्यूट्रिशन या गजाइयत की किल्लत जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें एक तो सबसे पहले शऊर उजागर करना और दूसरा फिर सेहत, महकमा सेहत और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर। बच्चे की पैदाइश के बाद मुनासिब वक्फे से बच्चे की सेहत और माँ की सेहत में बेहतरी के लिए जरूरी है कि खानदानी मंसूबा बंदी पे अमल किया जाए। पाकिस्तान की आबादी वाकई इस वक्त दुनिया के जो 5 ऐसे ममालिक जिसमें आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, उनमें पाकिस्तान भी आबादी तो बढ़ चुकी है। अक्सर ऐसे ममालिक हैं जैसे चाइना है और इंडिया है, वहाँ पे आबादी को एक ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के तौर पर लिया है, तो आबादी अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कम उम्र बच्चे या नौजवान अगर ज़्यादा होंगे, उसमें दो इम्कान हैं, या तो वो खतरा है मुल्क के लिए या फिर वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा फायदा, एक बहुत बड़ा रिसोर्स। प्रोग्राम के आखिर में उम्र के मुताबिक सेहतमंद बच्चों में इनामात तकसीम किया गया। कैमरामैन ज़ाहिर अहमद के साथ अब्दुल नबी बलोच, पाकिस्तान टुडे, क्वेटा।